मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले ही बीजेपी को झटका लगा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विज्ञापन में कथित तौर पर एक महिला पुलिस की वर्दी में बीजेपी की तारीफ करते हुए दिखाई गई है, जिसे लेकर कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने बीजेपी को नोटिस भेजा है। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट हुआ था, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी बीजेपी का गुणगान करती हुई नजर आ रही थी। इस वीडियो में पुलिस के डायल 100 को भी दिखाया गया था। सोशल मीडिया में चल रहे इस विज्ञापन को लेकर ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने 30 अगस्त को शिकायत कर कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर भ्रामक विज्ञापन जारी कर रहे हैं, वे इससे बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस शिकायत पर अब आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2014 में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए पूछा कि क्या पार्टी ने इस विज्ञापन से पहले आयोग से प्री सर्टिफिकेशन लेने का काम किया था। आयोग का कहना है कि बीजेपी के जवाब के बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों दल एक दूसरे की छोटी से छोटी गलती को मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में अपने इस विज्ञापन पर अब बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।